लंच करेंगे, भोजन करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सो आज है नेक्स्ट दिन और नया एपिसोड। तो आज है 28th ऑफ मई और पीछे ये जो होटल देख रहे हो आप, होटल निर्मल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ हम रुके थे बेसिकली कल जब हम गोरखपुर से पीलीभीत आए थे। तो आज का हमारा प्लान है उत्तराखंड में एंटर करने का। उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ से है अराउंड 40 किलोमीटर और प्लान तो था चुका बीच में जाने का, बट पता चला है कि बाइक को अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाने को, तो वी विल एस्केप दैट पार्ट। तो मिलते हैं आगे मोटो व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं चुका बीच की ओर, यहाँ से अराउंड 20-25 किलोमीटर है अगर आप टोटल डिस्टेंस हो पीलीभीत से, तो 30 किलोमीटर दिखा तो रहा है, बट एग्जैक्टली हमें और लोकल्स ने हमें बताया कि चुका बीच आप जा सकते हो, अंदर जंगल वाला जो पूरा पार्ट है वो नहीं जा सकते, और फिर वहाँ से बाइफरकेशन कुछ तो है, वहाँ से फिर रास्ता कट जाता है जो कि खटीमा को कनेक्ट कर देता है। तो अगर आप देख पा रहे हो दोनों साइड ये फुल जंगल है, और अब पीछे एक गेट भी आया था तो अब जंगल शुरू हो गया है। ये पूरा पार्ट पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। और मैं आपको चुका बीच के बारे में बता देता हूँ। तो चुका बीच बेसिकली बहुत ही अंडररेटेड बीच है यूपी का, और यूपी का एक लौता बीच है। तो बेसिकली चुका बीच में आप जाके स्टे कर सकते हो, हट्स बने हुए हैं वहाँ पे, और रहने का भी है सारा कुछ फैसिलिटी वहाँ पे है, और बहुत ही सुंदर है, नेचर के बहुत ही करीब है, बहुत क्लोज टू नेचर है। और यहाँ अभी तक का रोड इतना अच्छा था, और ये जंगल का रोड थोड़ा गड़बड़ है भाई, यहाँ का रोड थोड़ा और अच्छा चाहिए था। अरे भाई भालू भी है, सड़क सावधान, मैं सड़क पार करता हूँ। तो अगर कोई जानवर दिख गया वाइल्ड लाइफ टाइगर वगैरह, तो मेरी तो भाई क्या ही होगा, मेरे कंडीशन ये देखो, ये बच्चे को लेके अकेले जा रहे हैं जंगल से साइकिल से, यहाँ के लोग लाइफ होंगे, तो बेसिकली जो हमारे लिए एडवेंचर हो रहा है अभी, मेरी दिल की धड़कन रेस कर रही है, इनके लिए ये नॉर्मल सी चीज़ है। वो भी मैं तो फिर भी बाइक से हूँ, वो साइकिल से जा रहे हैं, और एक बच्चा है, छोटा बच्चा अराउंड 7-8 साल का होगा, उसके साथ वो साइकिल पे जा रहे हैं। यार हिम्मत चाहिए यहाँ पे रहने के लिए भाई। सो अगर आप पीलीभीत चुका भी जाना चाहते हो तो इसी रास्ते से आओगे, और ये आपका नहर पड़ेगा एक, इस नहर से आपको लेना है लेफ्ट, और यही लेफ्ट रास्ता आपको ले जाएगा चुका बीच बाइफरकेशन, और एक और लेफ्ट लोगे तो आप बीच में एक रास्ता है वहाँ से लेफ्ट लोगे आप खटीमा कनेक्ट कर देगा, जो कि अगेन सो ये है बाइफरकेशन। अब यहाँ से पूछना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आप सामने गेट बंद है, यहाँ से आगे शायद अलाउ नहीं करते अंदर। सो ये चुका का गेट है, देखते हैं अंदर जाना अलाउ है नहीं है। सो ये है चुका का गेट, लेकिन हमें अलाउ नहीं है जाना, आपको जीप करना पड़ेगा जाने के लिए, और जो फीस है जीप की वो 4 लोग की 2600। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना मना है, कचरा फेंकना मना है, क्योंकि टाइगर एरिया है। सो अभी हम इस रिजर्व से निकल रहे हैं, और राइट साइड में फुल जंगल है, कोर जंगल, अब ये भी नहीं कह सकते कि हल्का फुल्का जंगल है, बिल्कुल कोर जंगल है। जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं टाइगर के, भालू के, लेकिन टाइगर भालू तो नहीं दिखा, हिरन तक नहीं दिखा, बंदर ही दिख रहा है। और लेफ्ट साइड में हमारे शारदा नदी चल रही है, और राइट साइड में जंगल, और सामने हमारे रोड। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है यार कि इतनी यहाँ आए तो थोड़ा चुका बीच किया जा सकता था, लेकिन हमने कुछ प्लान ही नहीं किया था, तो हमारा भी एक हमारे साइड से ये गलती हुई, बट कोई ना, कुछ छोड़ेंगे तभी दोबारा वापस आएंगे। तो अभी हम रुके थे थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए, वो जंगल में ही ढाबा था तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और अब अगला 6 किलोमीटर पे आ जाएगा खटीमा, और फिर खटीमा के बाद हम जाएंगे टनकपुर की ओर, और फिर टनकपुर से जाएंगे चंपावत की ओर। तो मैं बता देता हूँ आप लोग को, टनकपुर अगर आप आते हो तो टनकपुर में बेसिकली बहुत फेमस और बहुत ही रिलीजियस प्लेस है पूर्णागिरी मंदिर, यहाँ और ट्रैक होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम है ट्रैक होता है अराउंड बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, अराउंड 500 सीढ़ियाँ हैं, और मैं गया था लगभग 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले मैं गया था अपने फ्रेंड्स लोग के साथ,
तो मुझे याद है कि हम लोग सीढ़ी चढ़ के गए तो ऊपर पूरा बादल लगा हुआ था। उस समय तो मोबाइल वोबाइल था ही नहीं मेरे पास, तो कोई फोटो भी नहीं होती। और सच बोले तो जब मोबाइल नहीं होता था तभी घूमने का ज़्यादा मज़ा होता था। अभी हम हो लिए हैं चंपावत वाले रोड पे, तो बेसिकली आगे का जो रूट है अब धीरे धीरे चढ़ाई आती जाएगी। अभी तो प्लेन रास्ता ही है बट अभी चढ़ाई आएगी, इसके बाद हमें चढ़ना है। बीच में छोटे छोटे गांव पड़ेंगे जैसे लाइक धौन और सीनिक व्यू भी आएंगे, और उसके बाद आएगा लोहा घाट के बाद फिर आएगा पिथौरागढ़, फिर पिथौरा। सो अभी हम रुके थे एक व्यू पॉइंट पे और वहाँ पे अराउंड एक घंटा स्पेंड करने के बाद अभी हम निकले हैं वापस को। सो ऐसा कुछ नज़ारा है सामने, अब पूरी पहाड़ी शुरू हो गई है और राइट हैंड साइड को पूरे मिट्टी के पहाड़ है और काफ़ी सड़के हुए हैं। अभी बारिश भी हुई थी 2-3 दिन पहले, तो मे बी लैंडस्लाइड हल्का फुल्का हुआ होगा और ये होता ही रहता है पहाड़ों पर। सो अभी हम रुके हैं कहीं बीच में चंपावत के रास्ते में, और देखो ये बीच में छोटी सी नदी है और यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली पैर वैर अंदर डाल के। बहुत सही है, धूप है काफ़ी तेज़, मतलब इतनी भी तेज़ नहीं है, हवा ठंडी चल रही है, धूप हल्की हल्की है, थोड़ी तेज़ है, लेकिन बिल्कुल मज़ा आ रहा है। सब लोग यहाँ रुक रहे हैं। एक्चुअली ये रास्ता पहले नहीं था, पहले रास्ता वो ऊपर वाला था बट वो कुछ तो काम चल रहा है रिपेयरिंग, तो ये डाइवर्जन क्या हुआ है, तो यहाँ से अब हमें ये वो सामने जो रास्ता जहाँ से कार जा रही है वो रास्ता चंपावत की ओर जाता है। तो अभी यहाँ थोड़ी देर चिल करेंगे, मौज करेंगे, फिर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। सो हम अप्रोच कर रहे हैं चंपावत को, अराउंड 15 किलोमीटर रह गया होगा और उससे पहले एक छोटा सा गाँव पड़ेगा धौन। सो चंपावत जा रहे हैं तो चंपावत के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, जो कि उसमें से एक बात तो वर्ल्ड फेमस है और एक बात जो है वो महाभारत से रिलेटेड है। सो चंपावत जो महाभारत वाला वो पहले बताता हूँ। सो महाभारत से क्या रिलेशन है, बेसिकली जो घटोत्कच थे भीम और राक्षसी हिडिम्बा के बेटे जिसको कर्ण ने मारा था अपने उस, तो घटोत्कच ने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस किया था, बेसिकली कृष्ण जी ने करवाया था। तो कहते हैं कि जो उसका मस्तक कट के गिरा था वो चंपावत, मतलब उसी एरिया में कहीं गिरा था, इसीलिए आप अगर जाओगे चंपावत तो चंपावत में घटोत्कच का मंदिर भी है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है जो कि महाभारत से रिलेटेड है, दूसरा जो वर्ल्ड फेमस है, जो लिटरली नॉट ओनली इंडिया बट यूएस यूके हर जगह ये बात होती है, आज भी होती है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है, इसके उस पर यूट्यूबर्स बात करते हैं, वो है चंपावत टाइग्रेस। तो बेसिकली चंपावत टाइग्रेस क्या थी, बेसिकली क्या था कि एक टाइग्रेस थी जो कि नेपाल में थी, नेपाल के एक रीजन रूपल जो कि उत्तराखंड से बहुत पास में, एग्जैक्टली चंपावत से बहुत पास में, क्योंकि टाइगर का क्या है, टाइगर को थोड़ी पता होता है बॉर्डर है, तो वो रूपल में थी और वहाँ पे बहुत लोगों को मार रही थी और वहाँ पे फिर शिकारी लोग इकट्ठा हुए उसको मारने के लिए। तो किसी ने तो उसको मारा बट जान से नहीं मार पाया, तो उसके पैरों में शायद गोली लगी थी और वो घायल हो गई। और टाइगर के मैनेटर बनने का ट्रेडमार्क क्या होता है कि वो किसी रूप से शिकार ना कर पाए, चाहे घायल हो, चाहे उसका दांत टूट जाए, चाहे दौड़ ना पाए, या ऐसा कुछ रीज़न होता है, अदरवाइज वो मैनेटर नहीं बनता है। तो वो भाग के आ गई नेपाल से इंडिया, और इंडिया में कहाँ आई, चंपावत। और चंपावत से फिर वो उसने अपना रेंज बनाया 40-50 किलोमीटर अराउंड, और उसी में घूम घूम के वो शिकार करती थी। तो कहा जाता है कि वो जो टाइगर्स थी उसका नाम चंपावत टाइगर्स इसलिए पड़ा क्योंकि वो चंपावत के अराउंड ही शिकार करती थी, और उसने ऑफिशियली 436 ह्यूमन को मारा है, शिकार किया है 436 लोगों को, ये ऑफिशियल डेटा है। अब उसमें कितने सारे अनऑफिशियल होंगे वो तो है ही, आप उसका सर्च करना इमेज, वो वन ऑफ द नोटोरियस टाइगर थी ऐसे आप कह लो। और उसको फिर ख़त्म किया था जिम कॉर्बेट ने,
शायद कंफर्म तो नहीं हूँ मैं, बट शायद जिम कॉर्बेट की वो पहली पहली शिकार थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फेमस लेपर्ड्स को मारा था, जो कि रुद्रप्रयाग था, उसमें से एक रुद्रप्रयाग का था और बाकी बहुत सारे थे। तो उस टाइगर का नाम इसी नाम पे पड़ा था, चंपावत टाइग्रेस। तो आप किसी से ही पूछोगे, बहुत सारे लोगों को पता होता है चंपावत टाइग्रेस, चंपावत टाइग्रेस। तो ये एक स्टोरी है चंपावत के बारे में। ये दो दो चीज़ें हैं जो चंपावत को खास बनाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे मंदिर भी हैं। एक और मंदिर है यहाँ पे जिनको न्याय देवता का मंदिर भी बोलते हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। मैं लास्ट ईयर आया था तो मैं वहाँ गया था, और नाग देवता का मंदिर है। उसके अलावा भी मतलब पीसफुल प्लेस है और काफ़ी अच्छी जगह है। ऑल दो एक्सप्लोर करने को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप आते हो, रूट में पड़ता है, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो करके आप निकल सकते हो यहाँ से। ऐसा एक दिन रुकना ज़रूरी नहीं है। ये था गोलियो देवता मंदिर, बेसिकली न्याय देवता के मंदिर। न्याय देवता है ये यहाँ के। सो अभी हम गोलजू देवता के दर्शन किया और अब हम निकल रहे हैं वापस। सो मेन रोड से ही राइट साइड को पड़ता है मेन चंपावत में ही। सो पहाड़ों पे, इन रास्तों पे बाइक चलाने का अलग ही मजा है। देखो कितनी खूबसूरत है दोनों ओर, बिल्कुल पेड़ से ढके हुए और रास्ता बिल्कुल ही कर्वी। ये जो पैच है चंपावत से लोहा घाट वाला, बहुत ही खूबसूरत पैच है। घर रंग बिरंगे, ग्रीन ग्रीन पेड़, ग्रीन ग्रीन घास, पूरी ग्रीनरी, रोड एकदम मदमस्त। भाई बहुत सही पैच है ये। सो अभी हम रुके हैं लोहा घाट में सबसे, और यहाँ से जो व्यू है वो मैं दिखाता हूँ। सो ये है रूम से व्यू, ऐसा कुछ व्यू है हमारे रूम से। पूरा देवदार के पेड़ से घिरा हुआ है। और नीचे वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में फॉर आवर नेक्स्ट जर्नी। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड हाँ, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं बाद में।